यह है सियासी खबर। चूरू की तारानगर सीट पर मुकाबले की हम करेंगे बात, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने माना है। जी मीडिया से बोले राजेंद्र राठौड़, तारानगर में क्लोज मुकाबला है, क्लोज कॉन्टेस्ट है। उधर नरेंद्र बुलानिया भी कड़ा मुकाबला मान रहे हैं। राठौड़ ने मतगणना में स्थानीय कर्मचारी नहीं लगाने की मांग रखी है। कहा कि विधायक ने अपने हितैषी कर्मचारियों को लगा रखा है, अनुशासन की सीमाओं को लांघ रहे कर्मचारी। चुनाव में भी कांग्रेस का खुला प्रचार कर रहे थे, इसीलिए स्थानीय कर्मचारी नहीं लगाने की मांग है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तारानगर विधानसभा बेहद हॉट सीट, और यहां से राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष, इनकी टक्कर सीधा बुलानिया से। और सीधे तौर पर यहां पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं राजेंद्र राठौड़ ने। कहा है कि अनुशासन की सीमाओं को कर्मचारी लांघ रहे हैं, इनकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। प्रवीण गुप्ता जो कि सीओ हैं, उनको लेटर भी लिखा गया और कहा गया कि भाई ऐसे स्थानीय कर्मचारियों को नहीं लगाया जाए, क्योंकि ये लोग खुलकर पार्टी का प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का। मुकाबला टफ की बात दोनों तरफ से कही जा रही है। शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है। शशि, तारानगर मुझे लगता है कि पहली ऐसी हॉट सीट है जहां पर दोनों तरफ से ये बात स्वीकार की गई कि मुकाबला कांटे का छोड़ना। बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, और अब से पहले नेता भले ही खुद की जीत का दावा कर रहे थे, आश्वस्त थे, लेकिन चाहे नरेंद्र बुरानिया हो चाहे राजेंद्र राठौड़, दोनों मान रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। जी मीडिया से बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने खुद माना कि तारानगर में बहुत क्लोज कंटेस्ट है, और इस क्लोज कंटेस्ट के कारण ही प्रदेश के सभी राजनीतिक प्रेक्षकों की निगाहें, नेताओं की निगाहें तारानगर पर डटी हुई है। चुनाव के समय भी तारानगर पर क्लोज आई थी और बहुत रोचक मुकाबला हुआ है। दोनों ही धड़ों ने, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। राहुल गांधी की यह सभा यहाँ पर हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी यहाँ पर हुई है। सभा से अगर फर्क पड़ रहा है तो देखना होगा किसकी सभा से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बायचू भी ऐसी सीट है जहाँ पर दोनों नेताओं ने सभा की है, और तारानगर के मामले में राजेंद्र राठौड़ को ये कहा जाता है कि वो राजनीति के मौसम विशेषज्ञ और को बहुत सोच समझ करके सीट का चुनाव करते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं और मूवमेंट करते हैं राजनीति के। तो इस लिहाज से इस सीट पर सबकी नजरें हैं। कल जब वोटों के नतीजे आएंगे तब भी आप ये देखिएगा कि संख्या के हिसाब से नहीं लेकिन नजदीकी मुकाबले के हिसाब से तारानगर का फैसला बहुत अंतिम घड़ी में होगा। शशि, ये स्थानीय कर्मचारियों का क्या मामला उठा रहे हैं राठौड़ साहब? ये मतगणना में क्या होता है, कर्मचारियों को लगाया जाता है, वो संबंधित जिले के संबंधित क्षेत्र के होते हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के राजेंद्र राठौड़ का ये कंसर्न है, और उन्होंने इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को पत्र भी लिखा है कि तारानगर में पोस्टेड अधिकारी कर्मचारियों को तारानगर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में ना लगाया जाए। आप उन्हें मतगणना में लगाएं बेशक, लेकिन दूसरे क्षेत्र की मतगणना में लगाएं। और उनका ये कहना है कि स्थानीय विधायक जो हैं, मौजूदा विधायक नरेंद्र बुरानिया कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने अपने चहेते कर्मचारियों को क्षेत्र में पोस्टिंग दिलवा रखी थी, और ऐसी सूरत में उन्हें कुछ आशंका है कि हो सकता है कहीं पक्षपात हो जाए। उनका ये कहना है कि कर्मचारी अपनी सीमाएं लांघ करके चुनाव में प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी का, तो इस चीज को देखते हुए अनुशासन की हदें पार करने का आरोप उन्होंने लगाया, और कहा कि उन्होंने आयोग से, विभाग से आग्रह किया है कि कर्मचारियों को तारानगर में पोस्टेड कर्मचारियों को ना लगाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शशिन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। तो दोनों ही तरफ से, चाहे नरेंद्र बुरानिया हो फिर चाहे राजेंद्र राठौड़, माना है कि मुकाबला टाइट है यहाँ पर। हालांकि इस बीच में राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि भाई यहाँ पर स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि कुछ भी खेल ये लोग कर सकते हैं, उनको संदेह।